हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में मैं एसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्लास 11 में अपन थर्ड चैप्टर यानी पेरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी कर रहे थे। पेरियोडिक टेबल में सबसे पहले अपन ने पेरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा, किस तरह से आवर्त सारणी की उत्पत्ति हुई, आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार से बनी हुई है। उसके बाद में आगे के वीडियोज में अपन ने यह देखा कि गुणों में आवर्तिता किस प्रकार से आयन एंथैल्पी है, परमाणु त्रिज्या है, भौतिक गुणों में आवर्तिता के बारे में अध्ययन किया। और आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया और लास्ट टॉपिक है तत्वों के गुणों में आवर्तिता रासायनिक गुणों में किस प्रकार से पाई जाती है। और रासायनिक गुणों में सबसे पहला रासायनिक गुण आज अपन पढ़ने वाले संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या। देखिए, संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या दोनों लगभग एक ही चीजें हैं। क्या होती है पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। संयोजकता क्या होती है? नॉर्मली कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी तत्व होता है, तो उसका हमेशा प्रयास ये रहता है कि अपना जो बाह्यतम कोष है, सबसे बाहर वाला जो कोष होता है उसको संयोजी कोष भी बोलते हैं। और किसी भी तत्व की ये प्रयास होता है, ये कोशिश होती है कि बाह्यतम कोष यानी संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण किए जाए। जैसे आवर्त सारणी का जो 18वां वर्ग है उसमें जो तत्व है जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इनके संयोजी कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सब, इसलिए ये किसी के साथ में भी कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करते। बाकी तत्वों में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए दूसरे तत्वों के साथ में रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बाहर वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब क्लोरीन का प्रयास ये रहेगा कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया जाए ताकि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन की संचयता निकल ली जाए ताकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। और ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं या साझेदारी करते हैं उसी को कहते हैं संयोजकता। जैसे सोडियम अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, नाइट्रोजन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो ये इनकी संयोजकता हो गई। अपन ये कहेंगे कि कार्बन की संयोजकता 4 है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, क्लोरीन की, सोडियम की इनकी संयोजकता है 1-1 है। यानी अष्टक पूर्ण करने के प्रयास में परमाणु या तत्व जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं उसी को कहा जाता है संयोजक। तो ये तो बात हुई संयोजकता। अब ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, साथ ही में अपन इसको भी देखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या होती है कोई भी तत्व होता है उस पर उपस्थित आवेश। आप ये कह सकते हैं कि आवेश का एक दूसरा नाम ऑक्सीकरण संख्या है। कोई भी तत्व, जैसे ये NaCl में एक यौगिक बनाया, तो इस NaCl में देखो दो तत्व हैं, एक तो सोडियम और एक क्लोरीन। इसमें जो सोडियम है इसमें +1 चार्ज है और क्लोरीन पर -1 चार्ज है। तो अपन ये कहेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। संयोजकता दोनों की एक-एक है, या आप ये कह सकते हैं कि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्रमशः +1 और -1, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर। और ये विद्युत ऋणता पर भी डिपेंड करता है। जो ऑक्सीकरण संख्या है ये विद्युत ऋणता पर, देखिए कैसे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यौगिक बनाया CH4 जिसमें कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए कार्बन पर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये कार्बन पर इस तरह से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर अपन कैसे तय करेंगे? ये विद्युत ऋणता के आधार पर तय होती है। जैसे ये एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको कौन सा परमाणु अपनी ओर आकर्षित करेगा जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, और दोनों में से कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन में इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ ज्यादा रहेगा, यानी कार्बन की तरफ नेगेटिव चार्ज रहेगा और हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव। तो अपन ये कहेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इस तरह से कार्बन सभी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पर टोटल -4 चार्ज आएगा, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 तो ऑक्सीडेशन नंबर +1, कार्बन की संयोजकता 4 तो ऑक्सीडेशन नंबर -4। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर और संयोजकता दोनों लगभग एक ही चीजें हैं। वर्तमान में संयोजकता के स्थान पर ही ऑक्सीकरण संख्या का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर है इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ये तो बात हुई संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या। अब बात करते हैं अपन आवर्त सारणी। वर्ग संख्या 1, 2,
तो वो 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, इनके संयोजकताएं हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं क्या होंगी? देखिए, सबसे पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि इनके संयोजकों में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पहले वर्ग के संयोजकों में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि पहले वर्ग का जो विन्यास है वो होता है NS1, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे वर्ग का विन्यास होता है NS2, तो संयोजक कोश में दो इलेक्ट्रॉन। तेरहवें वर्ग में तीन इलेक्ट्रॉन, फिर 4, 5, 6, 7, तो इनमें आकर के पूरे हो जाते हैं 8, क्योंकि लास्ट में जाकर के विन्यास हो जाता है NS2 NP6, तो कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे 15वें वर्ग का विन्यास होता है NS2 NP3, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही इनकी संयोजकता तय होती है। पहले वर्ग में जो कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए इनकी संयोजकता हो जाएगी 1। दूसरे वर्ग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, संयोजकता हो जाएगी 2। तेरहवें वर्ग में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे या साझेदारी करेंगे, तो संयोजकता 3। चौथे वर्ग में संयोजकता 4, चौथे वर्ग में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों की साझेदारी करेंगे तो 8 हो जाएंगे। 15वें वर्ग में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अब अष्टक पूरा करने के लिए केवल इनको 3 की साझेदारी करनी है, क्योंकि 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो ये 3 ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, तो अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी इनकी नॉर्मल संयोजकता 3 होती है। लेकिन अगर ये चाहें तो 5 की भी साझेदारी कर सकते हैं, उस स्थिति में इनकी संयोजकता 5 भी हो सकती है। 16वें वर्ग में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी है, या फिर अगर ज्यादा करना चाहें तो 6 की कर सकते हैं, यानी इनकी संयोजकता 2 या 6 हो। 17वें वर्ग की संयोजकता 1 या 7 होगी, और 18वें वर्ग की संयोजकता 0 होगी, क्योंकि उनका अष्टक कंप्लीट है, पूर्ण है। तो ये विविध तत्वों की संयोजकता है, आप देख सकते हैं आवर्त सारणी में प्रारंभ में संयोजकता में वृद्धि होती है बाएं से दाएं जाने पर, उसके बाद में वापस एक ही कमी होती है। तो जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों की जो संयोजकताएं हैं वो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे पहले वर्ग में सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इन तीनों की ध्यान रखिए संयोजकता एक होती है। दूसरे वर्ग में जैसे बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी संयोजकता 2 होती है। तेरहवें वर्ग में बोरोन, एल्युमिनियम, इनकी नॉर्मल संयोजकता 3 होगी। चौथे वर्ग में कार्बन, सिलिकॉन। 15वें वर्ग में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये विभिन्न तत्वों के जिस वर्ग में है उसी के अकॉर्डिंग उसकी संयोजकता अपने को ध्यान में रखना है, और इन संयोजकताओं के अकॉर्डिंग अपन दो तत्वों को मिलाकर के किसी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। देखिए अभी आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूं। ये विभिन्न वर्गों के तत्व लिखे गए हैं और ये लोग के नीचे उनकी संयोजकताएं लिख देता हूं। ये लीजिए, अब जैसे अपने से कोई ये कहे कि सिलिकॉन और ब्रोमीन, इन दोनों को जोड़ करके एक यौगिक बनाना है, सिलिकॉन और ब्रोमीन को जोड़ करके, यानी सिलिकॉन ब्रोमाइड बनाना है, तो इन दोनों को जोड़ करके आप यौगिक का निर्माण कैसे करेंगे? इसके लिए आपको इन दोनों की संयोजकता पता होनी चाहिए। सिलिकॉन की संयोजकता 4, ये रहा को सिलिकॉन की संयोजकता 4, ब्रोमीन की संयोजकता 1, और इनको आप इस तरह से वजन गुणा कर दीजिए, 1 सिलिकॉन और 4 ब्रोमीन, ऐसा ही BR4 सिलिकॉन ब्रोमाइड का ये सूत्र बन गया, इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूं कि एल्युमिनियम सल्फाइड का सूत्र बनाएंगे, एल्युमिनियम और सल्फर को मिलाकर के यौगिक बनाना है, तो आप एल्युमिनियम की संयोजकता लिखिए, ये रहा एल्युमिनियम, और सल्फर की संयोजकता 2, और इनसे आप इस तरह से सूत्र बना सकते हैं Al2S। संयोजकताओं या ऑक्सीजन संख्याओं के अनुसार आप इस तरह से सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि सोडियम और ऑक्सीजन से सूत्र बनाइए, तो आप बनाएंगे Na2, सोडियम की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, इस तरह से जोड़ सकते हैं। किसी भी तत्व को कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा CH2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बनेगा Mg2, क्योंकि दोनों की संयोजकता 2 है ना, मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2 और ऑक्सीजन की भी 2, तो फिर अपने को दोनों ने लिख करके इनको आप सरल अनुपात में लिखते हैं 1:1, ये भी अपने को ध्यान में रखना। तो इस तरह से संयोजकताओं के द्वारा आप किसी भी दो तत्वों के द्वारा में बनने वाले यौगिक का सूत्र बना सकते हैं। संयोजकताएं क्या होती है? आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर शुरू में बढ़ती है, बाद में वापस कम हो जाती है। ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता दोनों लगभग एक ही चीजें हैं,
और संयोजकता के अनुसार अपन किसी भी तत्व है, किसी भी दो तत्व है, किन्हीं भी दो तत्वों को मिलाकर के उनसे यौगिक बना सकते हैं, उनका सूत्र लिख सकते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो, रासायनिक गुणों का पहला वीडियो जिसमें अपन ने संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या के बारे में देखा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है कमेंट के रूप में जरूर लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए अपना एक लाइक जरूर दीजिए।